हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपशिखा. मेरा नाम जतिन. सो आज हम अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. दिस इज़ आवर लिटिल प्रिंसेस, जो हमें हीलिंग हॉस्पिटल में बहुत बहुत टाइम के बाद और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ मिली है. सो हम अपनी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट कर रही है जनवरी से, जब हमें पता चला दिसंबर में कि दैट वी आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी. तो हम उसके बाद हम ट्राई कर रहे थे कि हम डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स देखें कहाँ पे हमें बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलती हैं चंडीगढ़. सो हम बहुत जगह सोशल मीडिया में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, बट इन द एंड हमें इंस्टाग्राम से पता चला अबाउट द हीलिंग हॉस्पिटल इन सेक्टर 34. सो वी वर प्लानिंग कि हम लोग चलते हैं वहाँ पर, एक बार विजिट करते हैं, देखते हैं कैसे डॉक्टर हैं, कैसे नहीं हैं, कैसा एनवायरमेंट है, कैसा नहीं है. सो एट लास्ट वी विल देयर. हम आए, उसके बाद हमने यहाँ पर अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर रमनदीप कौर, उनसे मिले, उनसे बात करी, उनसे अपनी सारी प्रेगनेंसी रिलेटेड चीज़ें, प्रीवियस प्रेगनेंसी रिलेटेड चीज़ें सब शेयर करी. उनसे मिलने के बाद हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उनका. उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें गाइड किया, सब कुछ बताया कि आप क्या करें क्या नहीं करिए. फर्स्ट मीटिंग के बाद ही हमें लगा कि नहीं, शी इज़ द बेस्ट वन फॉर अस. एंड उसके बाद हमने यहीं पर अपनी पूरी जर्नी यहीं पर कंटिन्यू करी. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आई, इवन दो डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट रिकमेंड कर दी जस्ट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग. इनको एक्चुअली बीच में स्टमक पेन में मतलब स्टोन्स भी हो गए थे, इस वजह से मैम ने प्रॉपर बेड रेस्ट बोल दिया था इनको. इनका मतलब काफ़ी मुश्किल जर्नी थी इनकी, मैं ये बोल सकता हूँ मस्से की, लेकिन रमन मैम की गाइडेंस के अंदर में टाइम काफ़ी अच्छा निकला. ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी जर्नी बहुत मिड नाइट में बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आई जिस वजह से हमें इमरजेंसी में हॉस्पिटल आना पड़ा. एट दैट टाइम सब स्टाफ जो है उस टाइम अवेलेबल थे हमारे पास, हमारी केयर की प्रॉपर, सब कुछ चेकअप करने के बाद ही हमें डिस्चार्ज दिया. सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मैम को रात को 1 बजे 2 बजे भी कॉल करूँ तो मैम हमेशा अवेलेबल होते थे. मेहरबान मैम की मैं ये इस चीज़ में काफ़ी प्रेज करूँगा और मैं मैम से मतलब काफ़ी वो हूँ कि मतलब चाहे रात हो चाहे दिन हो वो हमेशा अवेलेबल है अपने पेशेंट के लिए. दीपशिखा के टाइम पर उन्होंने इतनी ज़्यादा केयर करी, इतने सपोर्टिव है मैम, जब भी कॉल करेंगे आप वो हमेशा अवेलेबल मिलेंगे चाहे रात हो चाहे दिन हो. शी ऑलवेज ट्रीट्स अस लाइक अ फैमिली मेम्बर. उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं ट्रीट किया हमें कि हम उनके पेशेंट हैं, हमेशा एज अ फैमिली मेम्बर हमें गाइड किया, हमें बताया आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए. ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मेरे को कॉम्प्लिकेशन आ गई थी स्कार थिकनेस की, क्योंकि फर्स्ट भी मेरा सिजेरियन था एंड सेकेंड केस भी मेरा एज एक्सपेक्टेड सिजेरियन ही होना था. बट ड्यूरिंग सम रीजन्स मेरी प्रीटर्म डिलीवरी हुई 8th month के एंड में. बहुत मुश्किल से रमन मैम ने 8th month एंड तक मेरे को लेकर गए, लेके गए, अदरवाइज मेरे लिए तो इम्पॉसिबल थी ये. 8th महीने तक पहुँचना भी काफ़ी मुश्किल हो गया था, इतना ज़्यादा पेन्स था दीपशिखा को, इतना हद से ज़्यादा पेन कि आई एम नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली, ले डाउन प्रॉपरली ऑन द बेड. बट मैम ने जैसे तैसे करके मेरा 8th month कम्प्लीट कराया. जैसे 8 month कंप्लीट हुए हमारी लिटिल प्रिंसेस हमारे पास आ गई. बट ये है कि जब कहते हैं ना खुशियाँ साथ में आती है तो कुछ कुछ गम भी लेकर आती है साथ में. बट हमारी जो लिटिल प्रिंसेस आई तो थी हमारे ज़िंदगी में 23 जुलाई को हमारे साथ में आई थी, लेकिन मिली हमारे को अभी 31st को ही है. बट इसको साथ में ही निको में लेना पड़ा क्योंकि प्रीटर्म हो गई थी, जिस वजह से इसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत थी जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे पास होना. अब हम जाएं इस प्रिंसेस के डॉक्टर प्रभजीत कौर, शी इज़ वेरी नाइस, वेरी डाउन टू अर्थ. उन्होंने हमारी बेबी का दिन रात, उनके स्टाफ ने दिन रात ध्यान रखा. हमारा बेबी उनके पास था, हमें जब भी आए हम यहाँ पर मिलने दिया हमें टाइम टू टाइम. और उसके बाद स्टाफ ने पूरा हमें बताया, गाइड किया कि आप डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया, वो सजेस्ट किया, ये टेस्ट हुए, वो टेस्ट हुए, हर चीज़ के बारे में हमें बताया. ऐसे करते हम बेफिक्र होकर घर पर रह सके. जैसे जैसे हमारी बेबी ठीक हुई मैम ने हमें गाइड किया कि हम आपको बेबी हैंड ओवर कर देंगे. नाउ हमारी लिटिल प्रिंसेस हमारे साथ है, नाउ शी इज़ वेरी फिट एंड फाइन. वी ऑलवेज रिकमेंड दिस हॉस्पिटल टू एवरीवन. ये हॉस्पिटल ने हमारी लिटिल प्रिंसेस हमें दिया, हम चाहते हैं कि आप भी यहाँ पे आइए और अपनी खुशी से जर्नी. मैं रिकमेंड करूँगी हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 में आइए, आप डॉक्टर रमनदीप कौर से मिलिए, शी इज़ अ बेस्ट गायनी इन दिस चंडीगढ़, और अपनी प्रेगनेंसी जर्नी यहाँ से स्टार्ट कीजिए एंड हैप्पीनेस के साथ अपने बेबी को लेके जाइए हमारी तरह. थैंक यू सो मच.